हाय दोस्तों, मैं बिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं, अगर किसी वीडियो पे आपके अगर क्लेम आता है या स्ट्राइक वगैरह आती है, सबसे पहले तो ये बात है कि अगर आपके यूट्यूब पे अगर 3 स्ट्राइक आते हैं तो जो यूट्यूब चैनल हमेशा के लिए डिलीट किया जाता हो जाता है, वो कर देते हैं यूट्यूब वाले हमेशा के लिए। उसके बाद आप कभी भी यूट्यूब चैनल क्रिएट नहीं कर पाते। तो ये सब चीज़ें अभी बहुत सारे ऐसी जो टॉपिक हैं, मैं इनके ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे खुद को भी इन चीज़ों के लिए ज्ञान मेरा बढ़ रहा है, मुझे ज्ञान हो रहा है इन चीज़ों का, और मैं आप सभी को जागरूक कर रहा हूँ इसके लिए। तो ज़्यादा नशा मिले तो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे तो क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर यूट्यूब का जो आपका ऑप्शन है आप उस पर ओके कर लें। इस पे ओके करते हैं तो जो आपका यूट्यूब चैनल है वो खुल जाएगा। ठीक है, 3 डॉट पे जाके आप इसको डेस्कटॉप साइड पे मोड पे ले लें। जिस तरीके से कंप्यूटर में चलता है वैसे ही ये यहाँ पे चलने लग जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से बिल्कुल वर्क करने लग गया जैसे कंप्यूटर काम करता है। और अब ये जो नेट स्लो होने की वजह से इसमें थोड़ा समय लग रहा है, तो इसका जो नेट स्लो है तो अभी ये पूरा खुल जाता है। और खुलने के बाद में कैसे कैसे इसका जो आगे प्रोसेस होगा मैं आपको बताता चलता हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको पूरा समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे जो लोगो दिख रहा है मेरा टीवी सिंह, इससे ओके करता हूँ। और इस पर ओके कर दें, कहने का मतलब ओके कर दें या आप इस पर टैप कर दें, वो आप अपने हिसाब से आप जो भी समझें आपको जैसा लगे। ठीक है, तो उसके बाद मैं जाता हूँ यूट्यूब स्टूडियो में। यूट्यूब स्टूडियो में जाएंगे तो यूट्यूब स्टूडियो में जाने के बाद में हमारी जो जितनी वीडियो होंगी वो हमें मिल जाएंगी यहाँ पे। तो यूट्यूब स्टूडियो में जाने के बाद हमारी वीडियो जो यहाँ पे हमें दिखने लग जाएंगी। नेट स्लो है प्लस जो लोडिंग है, जो वीडियो इस पर अपलोड है उसकी वजह से भी लोडिंग लेता है ये यूट्यूब चैनल है, जो मेरा स्वयं का यूट्यूब चैनल है। तो इसमें मैं आ जाता हूँ कंटेंट पे, जो जितनी सारी हमारी वीडियो है उस पर मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, आपको करना कहाँ है, जहाँ पे आपका लोगो दिख रहा है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ फिर बता देता हूँ। यहाँ पे नीचे मैंने लोगो जहाँ पे बना हुआ मेरा, ठीक है, नाम का चैनल का, तो वहाँ से मैंने कॉन्टेंट वहाँ से आप कर लेते हैं। अब इसके आने के बाद में आपको करना क्या, सिंपल यहाँ पर फिल्टर लिखा हुआ है, फिल्टर पर ओके कर दें आप। अब फिल्टर में करने के बाद में यहाँ पर जो लिखा हुआ है कॉपीराइट क्लेम, इस पर ओके कर दें। जितनी भी आपकी वीडियो है कॉपीराइट क्लेम की, वो सभी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अब इसमें आपको इस पर आपको जो टिक करना है, और टिक करने के बाद में एडिट पे ओके करना है। अब एडिट पे ओके नहीं करने के बाद में आपको